हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। देखिए आज का वीडियो है MSN 1 के पिछले 7-8 सालों में जितना भी आपके ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, चाहे वो मैचिंग हो, फिलअप हो, चाहे कोई भी एक नंबर के टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन हो, सबको जो है हम लेकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, आपका एक नंबर वाला क्वेश्चन में पूछा गया था, एक साल की निम्नलिखित में से प्रत्येक का 3-3 जो है कॉम्प्लिकेशन लिखे, उलझाव, जटिलता लिखे। ठीक है, जैसे 3 बीमारी दिया गया है और 3 कंडीशन दिया गया है, इस तीनों का जो है जटिलता लिखना है। ठीक है, 10 नंबर में पूछा गया था, देख लीजिए, जैसे जलना से व्यक्ति को और क्या क्या जो है परेशानियाँ हो सकता है जटिलता में पेशेंट को, चूँकि जलने के बाद उसका शरीर का तापमान जो है, बॉडी का जो लिक्विड होता है, जो तरल होता है, वह नष्ट हो जाता है, शरीर उसका सूख जाता है, तो शॉक लग जाएगा, हाइपोवोल्मिक शॉक। ठीक है, उसका बाद जो है किडनी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जलने के बाद, तो किडनी फेलियर हो सकता है अचानक से, तो एक्यूट रीनल फेलियर होगा। ठीक है, संक्रमण व सेप्सिस, व्यक्ति का शरीर जलने पर घाव हो जाता है और उस अवस्था में बहुत ज़्यादा संक्रमण का खतरा रहता है, तो संक्रमण होने का जो है जटिलता रहता है। ठीक है, तो ये जटिलता 3 पूछा गया था, लिख दिए हम लोग, आपसे भी पूछेगा लिख दीजिएगा। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को डायबिटिक कोमा आ सकता है, उसका किडनी में विकार नेफ्रोपैथी हो सकता है, गुर्दे में विकार नेफ्रोपैथी हो सकता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है, जिसे हम लोग CAD बोलते हैं, CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, और CHD रहेगा तो साइनोटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, चलिए तीसरा है स्पाइनल इंजरी है। अब स्पाइनल इंजरी किसी को अगर होता है, स्पाइन में चोट लगना स्पाइनल इंजरी, ठीक है ना, तो अगर स्पाइनल इंजरी होता है, आप लोगों को पता है कि स्पाइनल जो है आपके रीढ़ के हड्डी जो होता है वहीं पे होता है, तो स्पाइनल में किसी को अगर इंजरी होता है तो व्यक्ति जो है अपंग हो सकता है, यानी पैरालाइज्ड हो सकता है, उसके जो है अनकॉन्शियस, बेहोशी छा सकता है, अचेतन हो जाएगा, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, उसे जो है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन है, याद रखिएगा। ठीक है, तीनों बीमारी का हम लोग कॉम्प्लिकेशन आपको बता दिए। ठीक है, इतना लिखने पर 10 नंबर मिल जाता है, समझ गए। चलिए, हो सकता है यहाँ पर आपसे जटिलता पूछा है, हो सकता है यहाँ पर इसका कारण या निदान पूछ लेता, तो भी लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैचिंग है हमारे सामने, देखिए कितना शानदार मैचिंग है। कहता है मैक्सेडिमा, पहला जो है मैक्सेडिमा से इस वाले साइड को इस वाले साइड से मैच करना है। ठीक है, पहला है मैक्सेडिमा, तो मैक्सेडिमा जो होता है यह कब होता है, तो हाइपोथायराइडिज्म के कारण, मतलब हाइपोथायराइडिज्म के कारण जो है आपके मैक्सेडिमा होता है। ठीक है, समझ गए। दूसरा है गैग्रीन, गैग्रीन जो होता है वो गैग्रीन में जो है आपके शरीर में कोई अंग जो सड़ जाता है, गैग्रीन हो जाता है, तो उसे एम्पुटेशन किया जाता है, मतलब उस अंग को हटाया जाता है या अंग खुद हट जाता है, तो यह एम्पुटेशन होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गैग्रीन जो है एम्पुटेशन से रिलेटेड है। गैग्रीन जो है एक प्रकार का घाव होता है। ठीक है, और एम्पुटेशन जो होता है यह शरीर से किसी भी अंगों का अलग होना, ठीक है, वह एम्पुटेशन कहलाता है, चाहे कोई संक्रमण के वजह से हो, चाहे वो एक्सीडेंट के वजह से हो, कोई शरीर जो है, शरीर का कोई पार्ट अगर अलग हो जाता है शरीर से, तो वह एम्पुटेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है वेंडेज वर्गर टेस्ट। ठीक है, वेंडेज वर्जिस टेस्ट है। ठीक है, वेंडेज वर्जिस टेस्ट है, तो ये होता है आपके पीलिया रोग में, जोंडिस रोग में जो है वेंडेज वर्जिस टेस्ट होता है। ठीक है, वेंडेज वर्जिस टेस्ट होता है। ठीक है, एफेसिया क्या होता है, तो आप लोग को पता है एफेसिया जिसको होता है उसको बोलने में, भाषण में परेशानी होता है, यानी स्पीच डिसऑर्डर होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है क्यूंसी, क्यूंसी क्या होता है आप लोग को समझना पड़ेगा, तो क्यूंसी जो होता है यह एक प्रकार का आपका क्या है, क्यूंसी जो है यह पेरिटोन्सिलर अवशेष होता है। क्या होता है, क्यूंसी आपके पेरिटोन्सिलर अवशेष होता है, घाव होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, समझ गए। बेल्स पाल्सी क्या है, तो आप लोग को समझना पड़ेगा, बेल्स पाल्सी जो होता है यह फेस में जो है, फेस में अगर किसी को पैरालाइज्ड हो जाता है तो उसे जो है हम लोग फेशियल पाल्सी को बेल्स पाल्सी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है सातवां है इम्बोलस है। इम्बोलस का मतलब होता है कि रक्त का थक्का बनना। ठीक है, ब्लड क्लॉट जो होता है वह इम्बोलस से रिलेटेड है। ठीक है, आठवां है कोरिया, कोरिया का मतलब होता है एक्यूट रूमेटिक। ठीक है, एक्यूट रूमेटिज्म, एक्यूट रूमेटिज्म, ठीक है ना, एक्यूट रूमेटिज्म जो होता है वह कोरिया से रिलेटेड है। ओके, पेटेंट फॉर्मेन ओबली, नौमा में है पेटेंट फॉर्मेन ओबली। तो दोस्तों आप लोगों को पता है पेटेंट फॉर्मेन ओबली जो होता है या यह जो है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए
कि हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी देखे थे, जहाँ पे आपका एक ऑप्शन आया था मैचिंग में ही फैलोट, जो चतुष्फलकीय जो आपका बीमारी है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, वहाँ पे भी पेटेंट फॉरमैन ओबली दिया था। तो यह एक जन्मजात हार्ट हृदय रोग से जो ग्रसित होता है उसमें पेटेंट फॉरमैन ओबली पाया जाता है, ठीक है। चलिए दसवां है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? तो साथियों आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का जो मतलब होता है वो होता है हाइपरटेंशन। अगर आपके शरीर में यह आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है तो हाइपरटेंशन जो है हो जाएगा, मतलब उच्च रक्तचाप का प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि यह जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है तो यह आर्टरी में जो है ब्लड जो है जाने में परेशानी होता है, रुकता है, वहाँ पर एक जो है चीज़ें जमने से वहाँ पर जो है ब्लड का प्रेशर अधिक लगता है, जिससे जो है हाइपरटेंशन जो है होता है, यही आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ फिर से फिल इन द ब्लैंक में, आपके सामने फिल इन द ब्लैंक है। देखिए यहाँ पे कहता है एमेटिन हाइड्रोक्लोराइड डैश का इलाज है। तो एमेटिन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है यह आपके पेप्सिटिक अल्सर का उपचार में दिया जाता है। अगर किसी को पेप्टिक, मतलब जानते हैं ना पेप्टिक अल्सर, कि पेट में छाला वगैरह पड़ना, तो इससे जो है हम लोग एमेटिन हाइड्रोक्लोराइड देते हैं पेप्टिक अल्सर में। कोलिसिस्टेक्टोमी, कोलिसिस्टेक्टोमी का मतलब होता है कि गोल्ड ब्लैडर को हटाना, मतलब समझ रहे हैं ना कि पित्ताशय को हटाने को हम लोग कोलिसिस्टेक्टोमी कहते हैं। कोलिसिस्टेक्टोमी ध्यान में रखिएगा। और कोलीलिथियासिस होता तो क्या होता? तो कोलीलिथियासिस अगर रहता तो गोल्ड ब्लैडर में स्टेन को कोलीलिथियासिस कहते हैं, लेकिन कोलीसिस्टेक्टोमी है यानी गोल्ड ब्लैडर को हटाना, पित्ताशय को हटाना, ठीक है। वेन की सूजन को इन्फ्लामेशन ऑफ वेन इज नोन एज, है वेन के रोग को हम लोग क्या कहते हैं, वेन के रोग, वेन में सूजन को हम लोग ओके। मेलिग्नेंसी डैश द्वारा डायग्नोसिस होता है, तो मेलिग्नेंसी को जो है बायोप्सी के द्वारा जो है डायग्नोस किया जाता है, ठीक है, समझ गए, मेलिग्नेंस बायोप्सी ओके। मैस्टेक्टोमी डैश निकालने को कहते हैं, तो अस्तन को निकालने को हम लोग मैस्टेक्टोमी कहते हैं। तो इतना आपको याद हो गया, याद रखिएगा ओके। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में वही है फिर से आपका जो है फिलअप ही है। देख लीजिए रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए जैसा कि यहाँ पे रक्त का पीएच मान तो 7.4 होता है, क्योंकि रक्त जो है प्रकृति में आप लोगों को पता है कि क्षारीय होता है, लेकिन मूत्र जो होता है, मूत्र जो है आपका यहाँ पे 7 दिया है, बट 7 तक होता है। लेकिन देखिए मूत्र का जो यूरिन का पीएच मान होता है वह जो है आपको 4.8 से लेकर जो है 7.5 तक जो है माना जाता है, ठीक है, इतने तक जो है इसका नेचर होता है, बट इसका आदर्श जो वैल्यू होता है वह 5 के आसपास होता है, ठीक है। तो यूरिन का जो पीएच मान होता है 5 के आसपास 5 होता है, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी का अर्थ है कि शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण करना, अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी का मतलब ही ना है अल्ट्रासाउंड। एंडोस्कोपी का अर्थ है कि शरीर के गुहाओं को जो है परीक्षण करना, नलियों का छिद्रों का परीक्षण करना, ठीक है ना। तो एंडोस्कोपी का यही काम होता है कि यह जिसका आंत उत में अगर किसी को कोई चीज़ फंसा होता है तो उसको जो है एंडोस्कोपी करके पता किया जाता है, ठीक है। एनोरेक्सिया का अर्थ है भूख नहीं लगना ओके। चलिए ये हो गया आपका ओके। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं, एक और ज़बरदस्त आपका है, देखिए डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे समझिए डर्मेटाइटिस है, हम आपको पहले बता चुके हैं कि आइटिस जहाँ लगेगा वह जो है इन्फ्लामेशन होगा किसी न किसी चीज़ का। तो यहाँ पे डर्मा है, पहले क्या है डर्मा है, आइटिस है, तो डर्मा मतलब त्वचा, यानी त्वचा का पर्दा होगा, त्वचा का पर्दा यहाँ पे है, सही है। चलिए सिस्टाइसिस है, तो सिस्टाइसिस का मतलब होता है कि मूत्राशय में संक्रमण होना या मूत्राशय में पर्दा होना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लेड डर, ठीक है। हेमिप्लेजिया का मतलब होता है कि आधा शरीर में पैरालाइज्ड होना, मतलब आधे शरीर में लकवा मारना, इसी को हेमिप्लेजिया कहते हैं, तो ये नंबर होगा, ठीक है। मेनजाइटिस का मतलब होता है कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड या जो ब्रेन है उसको ढकने वाला जो झिल्ली है मेनिनजिस है उसी में इन्फ्लामेशन होना जो है मेनजाइटिस कहलाता है। तो कहाँ पे है, यहाँ पे है मस्तिष्क की सुरक्षा आवरण झिल्ली का पर्दा होना, इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन, तो यही मेनजाइटिस होता है ओके।
डायलिसिस का मतलब होता है कि वेस्ट मटेरियल को रक्त से छानकर गुर्दे से बाहर करना, यही जो है डायलिसिस का काम होता है। समझ गए? चलिए, तो ये तो समझ में आ गया, दोनों समझ में आ गया। ओके चलिए, ये हो गया समाप्त। अब फिर से यहाँ पे देखिए, फुल फॉर्म फिल इन द ब्लैंक है, देख लीजिए। M18 हाइड्रोक्लोराइड का इलाज कहाँ किया जाता है? पेप्टिक अल्सर में। कोलिसिस्टेक्टोमी निकालने को क्या कहते हैं? गोल्ड ब्लैडर निकालते हैं यहाँ से। वेन के सूजन को बर्गर डिजीज कहते हैं, ठीक है। मेलिग्नेंस बायोप्सी किया जाता है मेलिग्नेंस में, और मैस्टेक्टोमी मतलब अस्तन को हटाने को। ओके चलिए, ये हो गया आपका, ये भी समाप्त। अब एक और बहुत शानदार यहाँ पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस बार कि निम्नलिखित दवाइयों कौन सी बीमारियों में दी जाती है, बताना है। इधर आपसे एग्जाम में पूछा गया था दवाई के नाम, ए वाला, और ए वाला बताना था कि किस बीमारी में काम आता है ये सारे दवाइयाँ। तो देखिए, जो डेप्सोन होता है, डेप्सोन जो लेप्रोसी होता है, कुष्ठ रोग, उसमें डेप्सोन दिया जाता है लेप्रोसी में, ठीक है। तो याद रखिए, डेप्सोन लेप्रोसी के लिए। क्लोरोफेनिकॉल, क्लोरोफेनिकॉल क्या होता है? तो यह आँख के संक्रमण से बचाता है, ये होता है क्लोराम फेनिकॉल, क्लोराम फेनिकॉल आँख से संक्रमण के बचाव के लिए। क्लोरोक्लियन मलेरिया में, ठीक है, क्लोरोक्लियन मलेरिया में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो क्लोरोक्यून है, यह जो है कोविड के समय बहुत जो लोग है इसको यूज कर रहा था, बहुत स्टॉक से ख़त्म था, क्योंकि यहाँ पे प्रचलन ये चल गया था कि क्लोरोक्यून जो मलेरिया वाला दवा है यही काम करता है वहाँ भी, ठीक है। M18 जो है उल्टी को प्रेरित करता है, और M18 हाइड्रोक्लोराइड रहता तो क्या होता, पेप्टिक अल्सर से बचाता, ठीक है ना। लेकिन M18 सीधा है तो यहाँ पे यह उल्टी प्रेरित करता है, लेकिन यहीं पे अगर एंटी एमेटिक रहता तो वह जो है उल्टी को रोकने के काम करता, लेकिन यहाँ पे सीधा M18 है तो यह उल्टी को बढ़ाता है, ठीक है। डिजॉक्सिन हार्ट फेलुआ वाले पेशेंट को बहुत अच्छा काम करता है। हिप्रिन रक्त के थक्का बनाने से रोकता है, ठीक है। बेंजाइल बेंजोनोइट जो होता है, यह दाद खाद खुजली एस्केबिज में काम आता है, बेंजाइल बेंजोइट, समझ गए। मेफेंटिन निम्न रक्तचाप में काम आता है, कि जिसको अगर लो ब्लड प्रेशर होता है उसमें मेफेंटिन काम में आता है। ओके, लैसिक्स एडिमा में दिया जाता है, जिसके पैर वगैरह में सूजन होता है तो उसे लैसिक्स दिया जाता है। ओके, इंसुलिन जो है डायबिटीज में काम आता है, आप लोगों को पता है। तो ये जो है समझा दिए, हो सकता है इस बार पूछेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए, अब इसी में आपका एक ट्रू फॉल्स और है, देख लीजिए आप इसको। देखिए, पसली की टूट में थॉम्स एस्प्रिन काम में लाते हैं, तो खपची जो होता है यह जो है हड्डियों के टूट फूट में ही तो काम में आता है, तो बिल्कुल सही है। क्रॉनिक नेफ्राइटिस में हाई प्रोटीन भोजन दिया जाता है, बाली गलत है। अगर हाई प्रोटीन भोजन देंगे तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्रॉनिक नेफ्राइटिस मतलब गुर्दा के रोग वाले को हाई प्रोटीन नहीं, लो प्रोटीन डाइट भोजन दिया जाता है, उच्च कैलोरी वाला और लो प्रोटीन वाला दिया जाता है, समझ गए, हाई प्रोटीन नहीं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में उल्टी में फीकल मैटर आता है, मतलब कहता है कि जिसको आंत का अवरोध रहता है उसको अगर उल्टी होता है तो उसमें मल का जो है पदार्थ आता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पचा हुआ भोजन जो है आगे आंत में नहीं जाता है ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, तो जो उल्टी होता है वो उसमें जो है आपका मल का भी हिस्सा आता है, सही बातें हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया में दस्त मिट्टी के रंग का होता है, तो ये भी बात सही है। पीलिया जिसको रोग होता है उसमें जो उसका मल होता है वह क्ले मिट्टी के समान होता है, ये भी सही बातें हैं। आइसोटोनिक सलाइन डायबिटिक कोमा में दी जाती है ताकि ब्लड शुगर कम कर सके, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर किसी का ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो उसे आइसोटोनिक सलाइन जो है यानी समान स्थिति बनाने के लिए आइसोटोनिक सलाइन देते हैं, जो डायबिटिक कोमा में दी जाती है ताकि ब्लड शुगर को कम किया जा सके। तो याद रखिएगा, आइसोटोनिक सलाइन डायबिटिक कोमा में दिया जाता है शुगर को कम करने के लिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। ओके, फिर से यहाँ पे देखिएगा, आप लोग के सामने आ गया, बहुत ज़बरदस्त है, मैचिंग है, इस साइड से इस साइड को मिलाना है। देखिए, ओलिगुरिया का मतलब होता है कि मूत्र का हल्का हल्का बरना, ठीक है ना, हल्का हल्का मूत्र होना, तो ये जो है आपका होता है ओलिगुरिया, समझ गए। अब देखिए, हल्का हल्का कहाँ मूत्र वाला है, तो यहाँ पे वही जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, यूरिन की कमी यहाँ पे है ना, यूरिन की कमी, तो यूरिन की कमी जो होता है, लेस अमाउंट ऑफ यूरिन, इसी को ओलिगुरिया हम लोग बोलते हैं। ओके चलिए, ग्लोसाइटिस का मतलब होता है कि जिह्वा का पर्दा, ग्लोसाइटिस का मतलब क्या होता है, जिह्वा का पर्दा जो होगा वह ग्लोसाइटिस, मतलब जीभ का पर्दा, सीधा समझिए ना, जीभ का पर्दा ग्लोसाइटिस। ओके, फिलअप में भी पूछ लेगा कि जीभ के पर्दा को क्या बोलते हैं, तो ग्लोसाइटिस लिखना पड़ेगा, भूल जाइएगा खत्म हो जाएगा। डायुरेटिक क्या करता है, मूत्र को वृद्धि करता है। देखिए यहाँ पे है, जो मूत्र के प्रवाह में वृद्धि करे उसे डायुरेटिक्स कहते हैं, ठीक है।
या डायबिटिक शरीर से तरल मात्रा को भी कम करता है डायबिटिक, ठीक है ना। एमनेशिया, एमनेशिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस समझ गए ना, मतलब याददाश्त में कमी को हम लोग जो है बोलते हैं मेमोरी लॉस को एमनेशिया। डिस्फेजिया होता है, जो निगलने में तकलीफ होता है उसी को हम लोग डिस्फेजिया कहते हैं, डिफिकल्टी इन स्वालोइंग। नेफ्राइटिस क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि नेफ्राइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, गुर्दे को प्रदाह को नेफ्राइटिस बोलते हैं, समझ गए। एम्पाइमा होता है कि यह जो है पुलरल कैविटी में पस भर जाता है उसे एम्पाइमा बोलते हैं, और एम्फाइस्मा बोलते जब पुलरल में हवा एल्वोली में हवा अधिक भर जाता है तो उसे एम्फाइस्मा बोलते हैं, जबकि एम्फाइमा एम का मतलब होता है कि पुलरल कैविटी में पस भर जाना, दोनों में अंतर है। सिस्टाइसिस का मतलब होता है कि मूत्राशय में पर्दा होना, तो यहाँ पे है इसका, ठीक है, ब्लैडर में पर्दा। फ्लेबाइटिस का मतलब होता है कि सिराओं में पर्दा, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन जो है आपका होता है फ्लेब। और लास्ट वाला है एस्फेसिया, क्या होता है, तो एस्फेसिया मतलब होता है स्पीच डिसऑर्डर, जो कि ए नंबर में है यहाँ पे, ठीक है ना, याद हो गया। चलिए मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो को एक बार देखिए और एक बार खुद से पढ़िए, आपको याद हो जाएगा वरना दिक्कत होगा। हैमर का क्या काम होता है, तो हैमर का काम होता है टेंडन रिफ्लेक्सेज के निरीक्षण हेतु। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था 5 नंबर में कि हैमर का क्या उपयोग है, तो टेंडन रिफ्लेक्शन के परीक्षण हेतु, ठीक है। प्रोटोस्कोप का होता है मलाशय का परीक्षण व चिकित्सीय प्रक्रियाओं हेतु जो है प्रोटोस्कोप का उपयोग किया जाता है, समझ गए ना, मलाशय का जो है आपका जाँच करने के लिए। स्टेटोस्कोप शारीरिक ध्वनि को सुनने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। चिटिल फोर्सेप्स, चिटिल फोर्सेप्स का मतलब होता है बॉयलर अथवा कैबिनेट में से स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट उठाने के लिए। चिटिल फोर्सेप्स क्या करता है कि बॉयलर और कैबिनेट में से जो इंस्ट्रूमेंट हमको उठाना होगा उसको जो है चिटिल फोर्सेप्स के द्वारा निकालते हैं, ठीक है। अब पानी खौल रहा है, उसमें कोई सामान रखा है तो उसको हाथ से थोड़ी निकालेंगे, तो इसी चिटिल फोर्सेप्स से निकालते हैं, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बॉयलर से या फिर कैबिनेट से, ठीक है। हॉट वाटर बैग क्या करता है कि शरीर के सिकाई के उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है जिससे दर्द सूजन कम हो। बैक रेस्ट क्या करता है, हृदय रोगियों को फाउलर पोजीशन प्रदान करने के लिए, सहारा देने के लिए बैक रेस्ट दिया जाता है, अस्थमा वाले पेशेंट को उपयोगी होता है, सब समझ गए। हैमर याद रखिएगा टेंडन रिफ्लेक्स के परीक्षण हेतु, ओके। चलिए फिर से हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग को है, देखिए पहला है मुंह के संक्रमण के हम लोग क्या बोलते हैं, तो मुंह के संक्रमण को एस्टोमेटाइटिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्टोमेटाइटिस, एस्टोमेटाइटिस। मुंह के संक्रमण अगर पूछे तो एस्टोमेटाइटिस, जीभ के संक्रमण पूछे तो गुलाइटिस, ठीक है। खून में सोडियम के स्तर की कमी को क्या कहते हैं, तो हाइपोनेट्रेमिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रेमिया बोलते हैं। आप लोग को मैं कितना बार बता चुका हूँ कि अगर अधिक हो तो हाइपर, कम हो तो हाइपो, और सोडियम है, सोडियम का सूचना होता है ए से, तो हाइपोनेट्रेमिया, क्योंकि कम रहा है स्तर, ठीक है। स्तन को शल क्रिया से हटाने को मैस्टेक्टोमी कहते हैं, पता होना चाहिए। मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को डैश से मापा जाता है, किस चीज से, ईईजी से मापा जाता है, याद रखिएगा ईईजी से जो है आप जो है आसानी से मस्तिष्क में जो है आपका विद्युत गतिविधि, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल करेंट जो है एक्टिविटी कैसा है ईईजी के द्वारा माप सकते हैं। फुफ्फुस झिल्ली की सूजन को क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, ई एल्सो नोन एज प्लूरिसी, प्लूरिसी क्या चीज, देखिए यहाँ पे प्लूरिसी जो होता है या आपके पुलरल झिल्ली में सूजन को हम लोग बोलते हैं प्लूरिसी, ओके। 10वीं कपालीय तंत्रिका कौन सा है, 10th क्रेनियल नर्व कौन सा है, तो ये आपका भेगस नर्व होता है, ओके। चलिए मूत्राशय की जांच को डैश उपकरण कहते हैं, सिस्टोस्कोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टोस्कोप जो है मूत्राशय ब्लेडर को, यूरिनरी ब्लेडर को जांच के लिए जो है आपके मूत्राशय का सिस्टोस्कोपी किया जाता है, ओके। CSF का समान दबाव कितना होता है, तो देखिए CSF जो नॉर्मल प्रेशर होता है CSF का, वो 7 से 8 CmH2O होता है, ठीक है ना, 7 से 18 7 to 80 CmH2O, ये CSF का दबाव याद रखिएगा। नाक से रक्तस्राव को एपिस्टेक्सिस नक्सीर बोलते हैं। यूरिया में प्रोटीन की उपस्थिति को प्रोटीन यूरिया बोलते हैं, यूरिन में या यूरिया में पूछे या यूरिन में, यूरिन में प्रोटीन का होना प्रोटीन यूरिया कहलाता है, ओके। चलिए
हो गया आपका। अब हम लोग सही गलत फिर से देखते हैं। नमी युक्त ऑक्सीजन श्वसन तंत्र के म्यूकस झिल्ली के शुष्क होने से रोकती है, तो जो है बिल्कुल सही बातें हैं। आपके शरीर में अगर कोई भी खराश होता है, शुष्क होता है, तो नमी युक्त अगर आप ऑक्सीजन लेते हैं तो यह आपको क्या करता है, सूखने से बचाता है। ठीक है, सेवलॉन का गुण जीवाणुओं को मारता है, बिल्कुल सही बात है, चूँकि सेवलॉन एक केमिकल स्टरलाइजेशन है, ठीक है ना, केमिकल डिसइन्फेक्शन है। हाइपोक्सिया का अर्थ धमनियों में CO2 का कम होना, गलत बातें हैं। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि उत्कों में ऑक्सीजन का कम होना, ठीक है ना, यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कमी नहीं होता, ऑक्सीजन का कमी होता है, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। हाइपोक्सिया, हाइपो मतलब कम और ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कमना, ठीक है, तो यह जो है यहाँ पे CO2 दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। ओके, और हाइपोक्सीमिया रहता तो रक्त में ऑक्सीजन का कमी हाइपोक्सीमिया कहलाता है। ठीक है, नासिका परीक्षण के लिए ऑटोस्कोप का उपयोग जो है किया जाता है, क्या ऑटोस्कोप का उपयोग जो है नासिका मतलब नोज के परीक्षण में किया जाता है, तो नहीं, गलत बातें हैं। ठीक है, 10 मिनट तक किसी चीज़ को पानी में उबालने से सभी जीवाणु नहीं मर जाते हैं, तो दोस्तों एक गलत बात है, 10 मिनट आप किसी भी चीज़ को उबालिए तो उसमें का कंप्लीट जो है वह डिसइन्फेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कहता है कि नहीं मरता, ऐसा नहीं है, मर जाता है, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका समापन। चलिए यहाँ पे एक और देख लीजिए, कहता है डायलिसिस का क्या अर्थ होता है, तो डायलिसिस किडनी खराब रहने पर किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से डिप्थीरिया है, तो डिप्थीरिया जो होता है यह कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण होता है, डिप्थीरिया कॉर्नी बैक्टीरियम के कारण डिप्थीरिया होता है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद है आपका HIV के कारण जो है आपके एड्स रोग होता है, HIV वायरस के कारण। ठीक है, एसाइटिस मतलब होता है कि पेट में पानी भरना, और इसको जो है हम लोग निकालते हैं तो यही होता है एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस, पैरासेंटेसिस, और एक होता है थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस में होगा कि हृदय के आसपास से पानी निकलना, वो चेस्ट से पानी निकालना, थोरासेंटेसिस यानी थोरेटिक कैविटी से पानी निकालना, जबकि एब्डोमिनल एरिया से पानी निकालना एब्डोमिनल पैरासेंटोसिस, समझ गए। पांचवा है पुलरल इफ्यूजन है, पुलरल इफ्यूजन का मतलब होता है कि थोरासेंटेसिस, समझ गए, थोरासेंटेसिस अभी मैंने बताया कि यह जो है हृदय चेस्ट के गुहाओं से पानी निकालने को जो है हम लोग थोरासेंटेसिस कहते हैं। दोनों समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे और एक और देखते हैं, दवाइयाँ और इसका उपयोग फिर से हम लोग देखते हैं। ऊपर भी हम लोग कुछ देखे थे और यहाँ भी देखते हैं, ये दवाइयाँ हैं और ये इसका इलाज है, किसमें जिस दवाइयाँ का उपयोग होता है। ठीक है, देख लीजिए पेरिनॉर्म कहाँ पे काम आता है, तो अगर किसी को उल्टी और अपच होता है तो उसे जो है पेरिनॉर्म दिया जाता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक दवाई है जो कि ट्यूबरक्लोसिस में दिया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस में रिफामसिन भी दिया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस में आइसोनिजाइड भी दिया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस में स्ट्रेप्टोमाइसिन भी दिया जाता है। ठीक है, लैसिक्स शरीर को सूजन कम करने के लिए एडिमा में काम आता है, क्लोरोक्विन मलेरिया में काम आता है, डोजॉक्सिन हार्ट फेलोवर में काम आता है, मेमेंडाजोल वर्म इन्फेस्टेशन में काम आता है, आप लोग को पढ़ाए हैं। ठीक है, उसके बाद है हिपरिन रक्त को थका बनने से रोकता है। ठीक है, रेनिटाइडिन जो है पेप्टिक अल्सर या फिर गर्ड के बीमारियों को काम में आता है। ठीक है, जिसको अगर पेट में छाला वगैरह होता है तो रेनिटाइडिन दिया जाता है। ठीक है, पैरासिटामल दर्दनाशक ज्वर नाशक दोनों है, और आइसोनेसिक जो होता है यह जो है आपको आइसोनियाजाइड को ही आइसोनेसिक बोलते हैं, यह ट्यूबरक्लोसिस में काम आता है। ठीक है, तो देखिए एक बार वीडियो देखिए, एक बार पीडीएफ पढ़िएगा, सब याद हो जाएगा। ओके, चलिए फिर से रिक्त स्थान को यहाँ पे फिल करना है। रक्त का समान पीएच मान पता है आप लोगों को 7.4 होता है। ठीक है ना, चलिए मूत्र का पीएच मान कितना होता है, फिर से 7 दिया है। देखिए सीमन आप इसका उदासीन होता है, लेकिन मूत्र उदासीन होता है, मूत्र तो हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, तो यह कहीं ना कहीं आप इसको जो है 7 से कम ही लिखेंगे तो बेटर रहेगा, चूँकि 7 पर उदासीन हो जाता है। ठीक है ना, चलिए तो इसका जो है आपका 5 के आसपास सही रहता है यूरिन का पीएच मान। ठीक है, नाक से रक्त स्राव एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, नाक से सेल क्रिया द्वारा चेस्ट को स्तन को हटाना मैस्टेक्टोमी, और CSF का समान दाब 7 से 18, ठीक है ना, CmH2A होता है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। ओके, सही गलत देखिए, नमी युक्त ऑक्सीजन अभी ऊपर हम लोग कराए हैं कि नमी युक्त ऑक्सीजन श्वसन तंत्र के म्यूकस झिल्ली को शुष्क होने से रोकता है, बिल्कुल रोकता है, सही बातें हैं। ठीक है ना, चलिए तो ये सब ऊपर अभी करा चुके हैं, वही चीज़ें हैं। ठीक है ना, रिपीट है।
अब यहाँ पे फिर से जो है आपके क्या है मैचिंग है। एफेसिया क्या होता है? स्पीच डिसऑर्डर होता है, आप लोग को पता है एफेसिया स्पीच डिसऑर्डर होता है। बेल्स पाल्सी कहीं ना कहीं फेसियल पाल्सी से रिलेटेड होगा, मतलब फेस में जो पैरालिसिस मारता है चेहरा में वह बेल्स पाल्सी ही होता है, ठीक है। एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि रक्त का थक्का बनना, ठीक है ना, ब्लड क्लॉट, यही आपका एम्बोलिज्म होता है, ठीक है। उसके बाद गैग्रीन मतलब एम्पुटेशन होगा, गैग्रीन एम्पुटेशन से रिलेटेड होगा, सब के सब रिपीटेड है। नेफ्राइटिस जो होता है यह गुर्दा रोग का प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। और देखिए किडनी से रिलेटेड आपका नेफ्राइटिस जो है किडनी से ही रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेफ्राइटिस, ठीक है, नेफ्राइटिस आप लोग यहाँ पर देख लिए। चलिए नेफ्राइटिस हो गया, अब आपका है डिजिलाइटिस। डिजिलाइटिस क्या होता है आप लोग को यहाँ पे देखना चाहिए, डिजिलाइटिस क्या होता है। तो दोस्तों जो डिजिलाइटिस होता है हार्ट टॉनिक होता है, क्या होता है डिजिलाइटिस जो होता है यह आपके हार्ट टॉनिक होता है, ठीक है, हार्ट टॉनिक होता है, ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, मैचिंग वाला में आपको समान चीज़ से मैचिंग करना होता है, ठीक है ना। तो आपका जो डिजिलाइटिस होता है यह एक हार्ट टॉनिक होता है, और ये जो नेफ्राइटिस होता है ना, चूँकि नेफ्राइटिस किडनी में समस्या को बोलते हैं, इन्फ्लामेशन को, तो जब किडनी में समस्या होगा तो आपका पेशाब कम होगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इससे सही। और ये जो आपका हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग होता है, तो यहाँ पे देखिए हेरिडेटरी ब्लड डिजीज है, यानी अनुवांशिक ब्लड रोग, रक्त रोग, ठीक है ना। कोरिया क्या होता है तो आप लोग को पता होना चाहिए, कोरिया एक्यूट रूमेटिज्म होता है, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन जो होता है यह होता है पुलरल इफ्यूजन जो आपका होता है यहाँ पे देखिए एब्डोमिनल पैरासेंटोसिस दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सेंटेसिस होता है, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सेंटेसिस होगा, क्योंकि पुलरल इफ्यूजन जो है आपके थोड़ा सेंटेसिस से ही रिलेटेड है, थोड़ा सेंटेसिस के द्वारा ही जो है आपके थोरेटिक कैविटी से द्रव को निकाला जाता है, और डायलिसिस आपके किडनी से रिलेटेड है, समझ गए। चलिए ये हो गया, अब फिर से यहाँ पे खाली स्थान है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, खाली स्थान आपके सामने में है। स्तन को हटाना मास्टेक्टोमी, टीसीजी में यहाँ पे आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्तन को शल्य क्रिया सर्जरी के द्वारा अगर स्तन को आंशिक या पूर्ण रूप से हटाया जाता है तो उसे मास्टेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। टिश्यू में पानी भर जाना यानी शरीर में पानी भर जाना अगर जो होता है उसे हम लोग जो है एडिमा बोलते हैं, पानी भरता है मतलब सूजन होता है। शरीर के आधे भाग में अगर किसी को लकवा मारता है, पैरालिसिस मारता है, तो उसे हेमिप्लाजिया कहते हैं, ठीक है। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस डैस को तैयार करते हैं, मतलब आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस किसको प्रोड्यूस करता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यह किससे जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए तो मैं बता दूं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस करता है इंसुलिन को, ठीक है ना। उसके बाद है रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, कितना बार आ चुका है। खांसी में खून आना, देखिए बलगम में खून आना यानी खांसी में खून आना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, है क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हेमोप्टाइसिस, ठीक है ना, हेमोप्टाइसिस कहते हैं, स्पेलिंग देख लीजिएगा, हेमोप्टाइसिस कहते हैं, और हेमेटमोसिस कहते हैं उल्टी का रक्त होता है, तो ठीक है। मेलेग्नेंसी डैश का डायग्नोसिस है तो आप लोगों को पता है किसका जो है वो होता है बायोप्सी, ठीक है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, हो गया समाप्त। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत शानदार है कि पहला जो आपका प्रश्न है वो है, पहला जो प्रश्न है कहता है कि मातृ एंटीबॉडी अपरा के माध्यम से भ्रूण के लिए संचरण किस प्रकार का रोग क्षमता का एक उदाहरण है, मतलब माता के जो अपरा होता है, अपरा के माध्यम से जो भ्रूण होता है उसको अगर किसी प्रकार के एंटीबॉडी चाहिए तो वह जो है भ्रूण अपरा के द्वारा जो उसे एंटीबॉडी मिलता है वो जो है किस प्रकार का होता है, तो पैसिव इम्यूनिटी होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा यहाँ पे आप देखिएगा, दूसरा है कहता है कि डैश एक इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन है और रक्त में सोडियम के उच्च स्तर से निर्देशित है, मतलब रक्त में अगर सोडियम का उच्च स्तर होता है तो उसे हाइपरनेट्रियम कहेंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होता है, ठीक है, ठीक है, समझ गए, हाइपरनेट्रियम समझ गए। तीसरा यहाँ पे आप लोग देखिएगा, फुफ्फुसीय अंतरिक्ष में तरल पदार्थ का असमान संचरण क्या कहलाता है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड इन द पुलरल एप्लेस, तो आप लोग को पता है पुलरल इफ्यूजन होगा ये, ठीक है ना। तीसरा क्या होगा आपका, पुलरल इफ्यूजन मतलब पुलरल में, पुलरल कैविटी में यानी पुलरल में तरल भर जाना पुलरल इफ्यूजन होता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि के सर्जिकल हटाने को थायरेक्टोमी कहते हैं, पता होना चाहिए आप लोगों को, थायरेडेक्टोमी होता है, थायरॉयडेक्टोमी होता है, क्रायोसर्जरी, ठीक है। चलिए
देखिए क्रायो सर्जरी में जो है किसका इस्तेमाल फ्रीज और कोशिका को मारने के लिए किया था, आप लोगों को पता होना चाहिए क्रायो सर्जरी क्या होता है। तो क्रायो सर्जरी में जिस भाग में सर्जरी करना होता है वहाँ पे जो है फ्रीजिंग किया जाता है, एकदम इतना ना ज़्यादा जो है टेम्परेचर को फ्रीज किया जाता है कि वहाँ का जो चीज़ें होता है वह नष्ट हो जाता है वहाँ का कोशिका, ठीक है। तो क्रायो सर्जरी वही होता है जिसमें तरल नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है फ्रीज के लिए, ठीक है ना। गुर्दे के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, पता होना चाहिए। निगलने में कठिनाई होता है तो उसे एस्फेजिया बोलते हैं, ठीक है, डिफिकल्ट इन स्वालोइंगी डिस्फेजिया बोलते हैं। पेरिटोनियल गुहा की परत की सूजन को क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल तो पेरिटोनाइटिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। अगर पेरिटोनियल कैविटी में किसी पर पेरिटोनियल कैविटी में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसे पेरिटोनाइटिस बोलते हैं, पेरिटोनाइटिस बोलते हैं, ओके। विद्युत पेशी लेखन एक परीक्षण है, मतलब ध्यान दीजिएगा, देखिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी किस चीज़ का टेस्ट होता है, तो मांसपेशी व मोटर मसल्स और मोटर न्यूरेन का एक जो है टेस्ट होता है आपका। विद्युत पेशी लेखन एक परीक्षण है मसल्स का या फिर मोटर न्यूरॉन का, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, डैश सर्जरी में पेट के निचला हिस्सा निकाल दिया जाता है और शेष भाग ग्रहणी के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, इसे हम लोग पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका होता है, इससे जो है हम लोग बिलरोथ वन भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है शेष भाग को हटाकर शेष भाग को ग्रहणी के साथ यानी ड्यूडेनम के साथ जोड़ा जाता है तो इसे बिलरोथ वन भी बोलते हैं या इसी को आंशिक गैस्ट्रेक्टोमी भी कहते हैं। तो ये समझ गए आप लोग, ओके चलिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि वेन की सूजन को हम लोग बर्गर डिजीज बोलते हैं। यूरिया, यूरिन में प्रोटीन आना प्रोटीन यूरिया, नाक से रक्त जाना जो है एपिस्टेक्सिस नक्सीर होता है, चीज़ को समझ गए। चलिए अब आपके सामने में यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म है, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, लेटेस्ट में पूछा गया है तो हो सकता है आप में भी पूछ ले। एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, चीज़ें समझ गए। चलिए एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है, CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड, ओके। CT कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है, CT ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ठीक है, CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो ये जो है आपका फुल फॉर्म हो गया, ओके चलिए। यहाँ पे है गुर्दे के सर्जिकल निष्कासन क्या कहलाता है, नेफ्रोक्टोमी कहलाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। नेफ्रोक्टोमी जो होता है वह गुर्दे के निकालने को बोलते हैं, ठीक है। प्लूरल गुहा में मवाद का संग्रह जो है क्या कहलाता है, एम्फाइमा कहलाता है। यहाँ पे देखिए एम्फाइमा कहलाता है आपका, गुर्दे में प्लूरल गुहा में प्लूरल कैविटी में मवाद पस भरना एम्फाइमा कहलाता है, ठीक है। डैश प्यूट्रिट ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। कोरिनियम बैक्टीरिया जो है क्या चीज़ आपका, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जो है डिप्थीरिया होने का कारण जो है रक्त में पोटेशियम की कमी हाइपो जो है हाइपोकैलेमिया कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ें सब याद रखिएगा, बहुत है। नेक्स्ट देखिए वयस्क में समान ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर 10 से 22 mmHg होता है, तो बिल्कुल सही है, होता है इतना इंट्राक्रेनियल प्रेशर। लेरेंजाइटिस फेफड़े की सूजन है, गलत है, लेरेंजाइटिस लैरिंग्स का सूजन है, ठीक है ना, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। नेत्र संबंधी तंत्रिका क्रेनियल नर्व की दूसरी तंत्रिका है, तो देखिए सही है, ऑप्टिक नर्व यानी नेत्र संबंधी जो तंत्रिका है वह क्रेनियल नर्व का दूसरी नर्व है, ये बातें सही है। एलर्जी अस्थमा का महत्वपूर्ण कारक है, तो यह भी सही है, आपका धूल कण से एलर्जी होता है और उससे भी जो है दम फूलने लगता है, ठीक है, तो ये भी सही है। बैलेंस के रूल ऑफ 9 उपयोग जलने के 48 घंटे में द्रव का आवश्यकता का आकलन करने के लिए किया जाता है, तो देखिए ये बातें गलत है, ठीक है ना, ये चीज़ें ध्यान में आपको रखना चाहिए कि द्रव के आकलन करने के लिए 48 घंटे के अंदर जो है बैलेंस के रूल ऑफ 9 जो है लागू नहीं होता है। रूल ऑफ 9 जो होता है यह क्या करता है, रूल ऑफ 9 क्या करता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह जो है अलग अलग शरीर को डिवाइड करता है कि शरीर में कितना परसेंट घाव बना है यानी घाव कितना परसेंट जला हुआ है शरीर में, इसको जो है रूल ऑफ 9 निर्धारण करता है, ठीक है। रूल ऑफ 9 ये नहीं निर्धारण करता है कि द्रव कितना देना है, ठीक है ना, इसका निर्धारण यह नहीं करता है, यह घाव का निर्धारण करता है, रूल ऑफ 9 परसेंटेज मारता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं आपका MSN 1 में जितना भी पूछा था पिछले 7 से 8 साल में सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव को मैं करा दिया, अब आपको